काळात रुग्णांची सेवा बजावत असलेल्या कोरोना वॉरियर्स यांचा दलित संघटनेच्या वतीने सन्मान कार्यक्रम आंबेडकर गार्डन येथे शुक्रवारी दुपारी पार पडला. दलित संघटनेचे नेते मल्लेश चौगुले यांनी कोरोना वॉरियर्स यापुढेही असे कार्य करत राहा, रुग्णांची सेवा करा असे सांगून सर्व वॉरियर्स यांचे केलेल्या कामाचे कौतुक केले. शाल श्रीफळ झाडाचे रूप देऊन त्यांचा सन्मान केला. याबरोबरच पत्रकारांनाही शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमाला मल्लेश चौगुले, मोहन कंगराळकर, बसवराज रायगोळ, सिद्धप्पा कांबळे, सिद्धाराम मेत्री, शंकर विनायक व सतीश इतर संघटनेतील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. की जरूरत है वो जरूरत आप सब लोगों ने काम किए हैं. मैं ये आप जो युवा है, युवा साथीदार, हम लोग तो संघ संगठन वाले बहुत साल करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन जो युवा साथी आप अपना घर दार छोड़ के, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, आप सब लोगों को छोड़ के एक हिम्मत से एक अपने जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं, सम्मानित काम किए हैं. या आपने जो काम किए हैं ये देश के लिए किया है, लेकिन आने वाले बच्चों को जो झाड़ लगा आने वाले दिन में बड़ा हो जाएगा. आपके सबके हाथ से देश का सेवा हो, गोर गरीबों को सेवा हो, और जो भी मरणासन्न अवस्था में जो लोग खाएँ उनको आपकी आपका हिम्मत की ज़रूरत है, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है. जो मरने वाला आदमी को आप सामने से जाके रुक के अंकल आपको कुछ नहीं होता करके एक वर्ड बोलने से वो उसको बहुत सारी हिम्मत मिलती. वो जो यूथ आप जो काम कर रहे हैं, यूथ पावर इज नेशन पावर. नेशन पावर जो आज अच्छे काम के लिए कर इस्तेमाल किया है, जो महापुर में फ्लड हुआ लास्ट ईयर, आप सब लोगों ने, आपके भाई लोगों ने, आपके संगठन ने बहुत सारे काम किए. जो लास्ट ईयर से कोविड का जो चालू हुआ, आपको कोविड का पता भी नहीं, उसका जो इन्फेक्शन होता पता नहीं, उसका क्या इफेक्ट होता वो भी पता, लेकिन आप सब लोग हिम्मत से, डेयरिंग से, और अब मेनली आपके माँ बाप के आशीर्वाद से, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को पैदा किया इस देश के वास्ते, और उस महान माँ बाप को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे बच्चे इस देश के वास्ते काम के लिए आप दिए. इसलिए आई हैट्स ऑफ टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स, और माँ बाप को भी धन्यवाद देता हूँ. आपकी सेवा इस देश के लिए बेलगाम के वास्ते हमेशा रहे. हम छोटी सी भेंट करके और सम्मान के साथ और आने वाले दिन में आपके अच्छे काम करने के लिए आपको हिम्मत देंगे.